नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में अचानक गिरा नीम का पेड़। स्टेशन रोड से संस्कृत चौराहे के बीच में आज दिनांक 31 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच एक नीम का पेड़ बरसात के समय अचानक गिर गया, जिससे लाइट की डीपीओ पोल टेढ़ा हो गए। पास में एक मकान के पास रखा हुआ सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ। वैसे अन्य किस प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर बिजली विभाग और नगर पालिका के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रास्ते में गिरे हुए पेड़ को जेसीबी मशीन द्वारा हटवाया गया। मौके पर नगर पालिका ने आरिफ खान अतिक्रमण प्रभारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने रास्ता क्लियर करवाया। भवानी मंडी में भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच और शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 56 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। साथ ही आर्थिक स्वावलंबन स्वयं के रोजगार कार्यक्रम के तहत 37 युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि जिला कलेक्टर झालावाड़ अजय सिंह राठौर के मुख्य अतिथि में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर व स्वावलंबन शिविर का शुभारंभ पंचायत सिंह जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक अमृत लाल मीणा, SDM छत्रपाल सिंह चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, सदगुरु सेवा संघ संस्थान ट्रस्ट मनोज शर्मा, परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव कमल सुरेखा, स्वावलंबन आयाम प्रमुख हनुमान प्रसाद गुप्ता, प्रांतीय महासचिव वह कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश चतुर्वेदी, गोविंद भराड़िया, शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके किया गया। पिड़ाव में शनिवार को विष्णु परिषद और वेडिंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित षष्ठी पूर्ति समापन कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकाली। जिला सुरक्षा प्रमुख फिरोज सिंह ने बताया कि इस अवसर पर शहर के पदनाम परिषद में वाहन रैली शुरू हुई, जो स्टेट बैंक तिराहा आजा चौक नयापुर होते हुए दादा गाँव पहुंचकर कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा गाँव के प्रमुख मार्गों से होते हुए खेल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि विभाग मंत्री संदीप, जिला अध्यक्ष बालू सिंह, विभाग मिलन केंद्र प्रमुख राहुल राठौर, जिला मंत्री नंद किशोर आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में वन विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके बाद भी विभाग वन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। इसके अलावा वन विभाग प्रशासन भी इस तरफ अनदेखी कर रहा है। इन दिनों मनोर थाना क्षेत्र के विभिन्न जंगल अपनी ही बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। अब तो खुद पेड़ पौधे अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं केंद्र व राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कदम पर कदम मुहिम चलाकर प्रयास कर रही है, लेकिन वन विभाग की उदासीनता के चलते आरा मशीनों की भेंट चढ़ते पेड़ पौधे हर वर्ष केंद्र सरकार राज्य सरकार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान चलाता है। इस पर शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि उसकी सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग ही लापरवाही बरतते हैं। इस समय मनोर थाना क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। रामगंज मंडी क्षेत्र में NH 52 पर तेज स्पीड सवारी बस ने चलती बाइक को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट मोड़क थाना क्षेत्र के NH 52 दरा नाल के पास हुआ है। बाइक सवार दो युवक बाइक से रामदेवरा की यात्रा कर लौट रहे थे। बस की टक्कर ने दोनों घायलों को झालावाड़ भिजवाया गया, जिसमें से बाइक ड्राइवर के हॉस्पिटल के रास्ते में दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट में मौत की सूचना मोड़क पुलिस झालावाड़ पहुंची, जहाँ परिजनों ने रिपोर्ट लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को दिया गया। वहीं एक्सीडेंट कर फरार हुई सवारी बस फोटो के आधार पर तलाश कर रहे हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचड़ कस्बे में शनिवार को रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। कार्यक्रम में ढाबा देव चेचड़ क्षेत्र की 700 महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने बारी बारी से मंत्री दिलावर को रक्षा सूत्र बांधा और मंत्री दिलावर ने भी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए हर बहन से राखी बनवाई और सभी को साड़ी ओढ़ाकर उसके पति को सापा भेंट कर सम्मान किया गया। 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले कार्यक्रम में मंत्री दिलावर ने हर बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। रामगंज मंडी में ड्यूटी के दौरान नर्सिंग कर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर शनिवार को नर्सिंग कर्मियों ने हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया। मामला शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय का है, जहां शुक्रवार रात करीब 10 बजे मरीज के परिजन व नर्सिंग कर्मी नरेंद्र गुजर के साथ अभद्रता और मारपीट की उसके वह जिसके बाद सुबह सभी नर्सिंग कर्मियों ने हॉस्पिटल प्रभारी को लिखित में ज्ञापन देकर इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं का कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया है। नर्सिंग कर्मियों ने मांग की है कि पुलिस थाने में पीड़ित नर्सिंग कर्मी ने रात को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर धरने को 1 घंटे के बाद धरने को समाप्त किया गया। और प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी घटना करी है उसको अरेस्ट करें, नहीं तो हम कार्य बहिष्कार की ओर अग्रसित होंगे।
रात को आपकी ड्यूटी थी यहाँ रामगंज मंडी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ वाद विवाद हुआ? रात को मैं वार्ड में ट्रीटमेंट कर रहा था, मरीज का टेंडर आ रहा है, मरीज को रेफर किया हुआ था। उसने मेरे से बोला कि मेरी बोतल पकड़ के वहाँ गाड़ी से ले चलो, तो मुझे गाड़ी में बिठा हुआ मेरे पर इसको। मैंने कहा आप आगे चल जाओ, नंबर का बनवा स्टाफ है, क्योंकि उसने गलबान पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट करिए, तेज सबरता काम कर, ज्यादा नेतागिरी मत कर, क्योंकि मैं उस तरह जानता हूँ। पर अभी तो व्यवहार करा उसने मेरे साथ, तो गाली गलोज करी उसने। मंदसौर संजीत ओवर ब्रिज के रोशन होने का काम शुरू हो गया है। इस पर करीब 22 लाख रुपए खर्च होंगे। ओवर ब्रिज और अप्रोच रोड क्षेत्र में बिजली के 44 खंभे लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सितंबर माह के अंत तक काम पूरा कर दिया जाएगा। शहर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जोड़ने वाले संजीत ओवर ब्रिज का काम पूरा होने से 5 साल से अधिक का समय लग गया। निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बाद यहाँ से आवागमन भी शुरू हो गया था, लेकिन अंधेरा होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ असामाजिक तत्वों ने भी अड्डा बना लिया था। लंबे के बाद संजीत ओवर ब्रिज पर लाइटिंग का काम शुरू हो गया है। बता दें कि इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। 2 सप्ताह बाद कनेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सितंबर के अंत तक लाइटिंग का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद संजीत रोड ओवर ब्रिज दूधिया रोशनी में रोशन होता हुआ नजर आएगा। मंदसौर में गोदाम से 1,40,000 की लहसुन चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी नामजद सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की घटना करना कबूल किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाकोड़ा नगर निवासी पुष्पन खंडेलवाल ने यशोधर्मन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 27 और 28 अगस्त की रात उनके इंडस्ट्रियल एरिया सिलाइट पेंसिल परिसर में स्थित गोदाम में बड़ी मात्रा में लहसुन चोरी हो गई। रिपोर्ट के आधार पर चोरों ने गोदाम के पीछे की दीवार में छेद कर प्रवेश किया है। करीब 10 क्विंटल लहसुन जो कि 25 कट्टे में भरी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपये आकी गई है, चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच शुरू की और शंका पर चोरी में शामिल 4 आरोपियों को नामजद किया। आरोपियों की पहचान दशरत भिलाला उम्र 26 वर्ष, कन्हैया लाल उर्फ करुणा कन्नू काणा उम्र 40 वर्ष, रमेश बिलाला उम्र 20 वर्ष और फिदा उर्फ फितू उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। सभी आरोपी मंदसौर के इंदिरा कानून इलाके के निवासी हैं, जो कि गोदाम के आसपास ही निवास करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 305A, 331(4), BNSA 380 और 457 के तहत मामला दर्ज किया है। गरौर तहसील के देवरिया गांव किसान राम प्रसाद मीणा ने सोयाबीन की फसल को रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया। गरौर क्षेत्र में लगातार सोयाबीन की फसल को नष्ट करने का सिलसिला चल रहा है। पहले भी कई किसानों ने रोटावेटर चलाकर सोयाबीन का भाव नहीं मिलने से खत्म कर दी थी। आज शुक्रवार को भी 1.5 बीघा सोयाबीन की अकाई की है। किसान का कहना है कि लागत मूल्य नहीं निकालने व सरकार का किसानों के सोयाबीन के भाव प्रति सुस्त रवैया होने से दुखी होकर शुक्रवार 1.5 बीघा सोयाबीन में रोटावेटर करवा दिया गया। बांधवा नगर के समाजसेवी युवा पत्रकार प्रदीप जिनगर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ध्वजा अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड सीताराम बातम भोपाल ने भानपुरा पहुंचे। भानपुरा आगमन से पूर्व रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान में गौ रक्षा कमांडो फौज से स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात भानपुरा तहसील के ग्राम ओसन्ना में स्वागत हुआ। भानपुरा सिविल हॉस्पिटल में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री में युवा पत्रकार और समाज प्रदीप जिनगर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सरकारी अस्पताल भानपुरा में पौधारोपण किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव।
बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।